फाइनली हम चाउर धोइया पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का व्यू है और यहाँ पे लोग ऐसे हेलो गाइस, एक और नए ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस इस समय हम मदरिया स्थान के सबसे पिक पॉइंट पे आ चुके हैं और यहाँ पे सबसे ये पिक पॉइंट है और ये पूरा एरिया जो है ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी ऐसी प्रीत मेरी है ने गोरी चुलबुली करे जो झक जोरी क्यों ना सूरज की किरणें आने दे आने दे। गाइस रास्ते में बहुत ज़्यादा आपको बेगस मिलेंगे, कुछ लोग तो जिनकी मजबूरी है और मजबूरी में उनको मतलब भीख वगैरह मांगनी पड़ रही है, लेकिन अगर आपके पास आप कैपेबल हैं देने के लिए तो यार दे दिया करो, क्योंकि यार उनकी भी मजबूरी है। मैं इस चीज़ को बढ़ावा बेगिंग को मैं बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन कुछ लोगों की ऐसी मजबूरी होती है अगर दे देना ही था। यहाँ पे थोड़ा सा एक अजीब सा पहाड़ है और आप देख सकते हैं सामने, मैं आपको फ्रंट कर यार गाइस मैं बताऊं तो हम लोग ये जो पिक पॉइंट है मदारा स्थान का वो लगभग 5 से 7 किलोमीटर ऊपर है, लेकिन यार जो चढ़ाई है आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा काफ़ी वो कठिन चीज़ है और लेकिन काफ़ी एडवेंचरस भी है अगर आप उसको एंजॉय कर रहे हो तो। देखो सावन आए रे मन हसाए में तवार सारी उमर ना गवा। यहाँ पे हम जहाँ खड़े हैं ये काफ़ी खतरनाक पॉइंट है और सबसे पिक पॉइंट है और लैंड स्लाइडिंग की वजह से आप देख सकते हैं नीचे पूरा खाई आपको दिखाई देगा, यहाँ नीचे देख सकते हैं और नीचे गिरने के बाद यार भाई किसी को कोई बचने का चांस नहीं है, तो आप आराम से आइए आराम से जाइए और नीचे आप देख सकते हैं पूरा वो नीचे यहाँ से पूरा जो एरिया है गाँव का वो दिखाई दे रहा है और लैंड स्लाइडिंग की वजह से पूरा एरिया जो है ख़राब हो रखा है और बहुत ही ये जो रास्ता है बहुत ही नैरो है जहाँ से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा। तो ये पूरा आप नेचर की एंजॉय करो और मैंने आपको दिखाया था कि फ्रंट कैमरे से कितना अल्टीमेट व्यू है, तो यार इतना कुछ हम लोग आपके लिए कर रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करो यार और पॉसिबल हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो जो यहाँ पे नहीं आ सकते हैं, कम से कम इस चीज़ को वो भी इंजॉय कर सके यार, क्योंकि यार लाइफ में लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं और नेचर ही एक ऐसा चीज़ है जो आपके फ्रस्ट्रेशन को दूर कर सकता है, तो आप वीडियो को वॉच करो और उनको दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करो। करे जो झक जोरी क्यों ना सूरज की किरणें आने दे मेरे मीत अब चल जाने दे जो भी बीत। व्हाइट लेक व्यू है जो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो सेल्फी वगैरह ले रहे हैं आप सामने देख सकते हैं और पीछे जो पूरा एरिया है वो व्हाइट लेक व्यू का एरिया है और कैमरे में ज़्यादा बहुत अच्छे से नहीं आ रहा है क्योंकि वो बहुत काफ़ी दूरी पे है, तो आप देख सकते हो अगर दिखाई देगा तो आप जरूर इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें शेयर करें, ठीक है। बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे घूमने में, ये हमारे भाई हैं। भाई यहाँ पे जो भी आ रहा है उनसे एक बात आप पूछना, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता कि इस पॉइंट पे आने के बाद आप उसी स्टेज पे हैं और मदार बाबा के स्थान पे पहुंचने वाले हैं और ये एक लास्ट चढ़ाई है जिसके चढ़ने के बाद हम 5 मिनट में मदार बाबा के स्थान पे पहुंच जाएंगे और इसको चाउर धोइया के नाम से जाना जाता है, आप देख सकते हैं थोड़ी सी चढ़ाई है और आगे चढ़ने के बाद हम फाइनली पहुँच ही जाएंगे। आरी 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 अब तो आ रही बारात अब ये आए नाचे गाए देखो राग है मल्हार ओ नित नित लाके रंग सवारी उमर अयूब नाम से सर्च करेंगे ना पहले नंबर पे आएगा। गाइस यहाँ भी थोड़ा चढ़ाई कठिन है, थोड़ा सा आप देख सकते हैं पूरा खड़ा है रास्ता है, लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात है कि यहाँ पे सीढ़ी वगैरह बनी हुई है, आप देख सकते हैं सीढ़ी वगैरह बनी हुई है जिससे चढ़ने में आपको थोड़ा सा सुविधा मिल जाएगा और आप आसानी से चढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो आप देख सकते हो। मन हंसाए मितवा और सारी उम्र ना गवा दे मितवा, क्यों सोचे बादल भरे हैं जबकि वो तो रुके हैं, क्योंकि बारिश तो आनी है ना। कभी आप पैदल ट्रैफिक नहीं देखे होंगे, लेकिन यहाँ पे पैदल भी ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो आगे यार, सब लोग खड़े हैं, आगे जाने का रास्ता नहीं है। फिलहाल रास्ता खुला है, लोग जा रहे हैं। और चलो चाउर धोइया पे पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का व्यू है, और यहाँ पे लोग ऐसे अपना अगरबत्ती वगैरह जला रहे हैं। और इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे लोगों को दान भी करना है तो इसमें डाल दे रहे हैं। लोगों की आस्था है कि यहाँ पे जो भी मन्नतें मांगी जाती हैं वो सारी मन्नतें पूरी होती हैं। अगर मदार बाबा की ये आस्था है तो कहीं ना कहीं ये रियलिटी से बिलोंग करता है, इस वजह से लोग इतनी तादाद में लोग आते हैं। यार 15 दिन का मेला लगता है, लेकिन 15 दिन में लगभग 15 लाख से करीब लोग गिरने। आने दे मेरे मीत, अब चल जाने दे जो भी बीत, ओ जगे ताने पे ताने दे उनकी सुने ना। देखो सावन आए रे मन हंसाए मितवा और सारी। ये देख सकते हो पीछे का भी कुछ इस टाइप का है, तो वीडियो को एंजॉय कीजिए और करो। और यार चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। चौर धुइया से निकल रहे हैं और मदार बाबा के स्थान की तरफ बढ़ रहे हैं, और हार्डली हमको 5 मिनट लगना है। 5 मिनट के बाद हम मदार बाबा के स्थान पे पहुंच जाएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ से नीचे उतरेंगे, यहाँ से लोग नीचे उतर रहे हैं। यहाँ से नीचे उतरने के बाद हम मदार बाबा के स्थान पे पहुंच जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, आगे हम मदार बाबा का जो स्थान है उसके लिए एक हम सेपरेट वीडियो बना देंगे। और आप घर बैठे बैठे आप इस पूरी जर्नी को एंजॉय कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।